नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा खनिज विभाग द्वारा लंबित खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए समाधान योजना 31 अक्टूबर को लागू की गई थी। शासन द्वारा इस योजना की अवधि 30 जनवरी 2023 तक वृद्धि कर दी गई है। खनिज राजस्व भुगतान के लिए समाधान योजना का लाभ अब 30 जनवरी तक दिया जाएगा। पहले यह योजना 31 अक्टूबर को खत्म होनी थी। जिले में आधा सैकड़ा के आसपास लोग हैं जिनको ये लाभ मिल सकता है। हम आपको बता दें, खनिज विभाग द्वारा लंबित खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए समाधान योजना 31 अक्टूबर 2022 तक लागू की गई थी, जिसे शासन द्वारा समाधान की योजना अवधि 30 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया, खनिज राजस्व के बकायादार योजना का लाभ लेकर 30 जनवरी 2023 के पहले लंबित राशि जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। खनिज अधिकारी का साफ तौर से कहना, समाधान योजना के तहत गौण खनिजों एवं मुख्य खनिजों के लिए 31 मार्च 2010 से पूर्व की खनिज राजस्व की बकाया राशि में ब्याज की पूरी तरीके से छूट दी गई है। माना जा सकता है हितग्राही जिनका भी बकाया है, ब्याज की भारी भरकम छूट से फायदा उठा सकते हैं। बिना ब्याज दिए बकायादार राशि जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के 5 लाख रुपए अथवा उससे कम बकाया राशि 30 जनवरी से पहले जमा करने पर ब्याज पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। पूरी तरीके से ब्याज माफ होना सब एक बड़ा निर्णय माना जा सकता है। इस अवधि में बकाया राशि के जो प्रकरण 5 लाख रुपए के अधिक अवधि के हैं, उन पर 30 जनवरी तक बकाया राशि में जमा करने पर 24% के स्थान पर केवल 6% ब्याज लिया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है 18% की छूट हितग्राही को इस मामले में मिल सकती है। इस अवधि में ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, राशि जमा होने पर प्रकरण वापस लिया जाएगा। जो मामले अभी तक इसके लिए कोर्ट में चल रहे थे, उसमें भी मामले शासन कोर्ट से वापस ले सकता है। राशि जमा होने पर प्रकरण वापस ले लेगा, ऐसा कहना है खनिज अधिकारी का। सभी बकायादार यथाशीघ्र लंबित खनिज राजस्व जमा करके समाधान योजना का लाभ उठाएं, इस तरीके की अपील कर रहे हैं खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित। इस बारे में हमने खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस मामले को लेकर हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। खनिज साधन विभाग द्वारा समाधान योजना लागू की गई है जो 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। इसमें जो पुराने बकायादार हैं, पट्टेधारक हैं, जिनकी बकाया राशि है उसको जमा कराने के एक सुनहरा अवसर शासन ने प्रदान किया है, जिसमें ब्याज पूर्ण रूप में माफ़ किया गया है। जो हमारे पट्टेदार हैं, जो 31 मार्च 2020 तक जो 5 लाख से कम के बकायादार हैं, जो शासन का 24% ब्याज राशि जो उन पर अधिरोपित की गई थी, वो शासन द्वारा माफ़ की गई है। जो मूल राशि यदि वो जमा करते हैं 30 जनवरी 2023 के पहले, तो इस छूट का वो लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से कितने रीवा ज़िले में लगभग 30 से 35 लाख के पुराने बकायादार हैं, जिनको हमने अभी मांग पत्र जारी किए हैं और वो उन लोगों द्वारा इस छूट में इस लाभ इस योजना का लाभ लेने के लिए सहमति जताई है और वो राशि जमा कर रहे हैं। दिन भर की ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।